एक मिनट के लिए ये सोचो कि इंडिया का नंबर वन यूट्यूबर अमित बड़ाना है, और अब प्रेजेंट में आ जाओ और देखो कहाँ गया अमित बड़ाना, ऐसा स्टार जो 2017 और 2018 के आसपास हम इंडिया का नंबर वन यूट्यूबर कहते थे, वो अचानक क्यों फ्लॉप हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वाई अमित बड़ाना इज डेड। पहला नंबर का जो रीजन है वो है फ्यूचर कंटेंट। देखो, अमित बड़ाना ये सोचते हैं कि उनकी जो वीडियो है वो आगे आने वाली जनरेशन भी देखे, इसलिए वो ज़्यादा देसी वीडियो अब नहीं बनाते। ज़्यादा क्या, अब वो देसी वीडियो बनाते ही नहीं हैं। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि अमित बड़ाना अब पहले जैसा कंटेंट नहीं बनाते, और अमित बड़ाना में अब वो बात नहीं रह गई जो पहले बात थी। तो भाई, मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं कि टाइम के हिसाब से सबको बदलना पड़ता है। अगर टाइम के हिसाब से नहीं बदलोगे तो टाइम तुमको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी। तो अब दूसरे नंबर का जो रीज़न है वो है अवॉइड देसी लुक। अब पहले की तरह तुम्हें अमित बड़ाना के वीडियो में देसी लुक कम देखने को मिलेगा, या फिर अब मिलेगा ही नहीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आने वाली जनरेशन देसी लुक देखना नहीं पसंद करेगी, इसलिए अमित बड़ाना ने देसी वीडियो पर काम करना बंद कर दिया है, और वो ज़्यादातर अब मॉडर्न वीडियो बनाते हैं जो कि आने वाली मॉडर्न जनरेशन देखे, क्योंकि देसी जनरेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और मॉडर्न जनरेशन धीरे धीरे आने लगेगी। अब जो थर्ड नंबर का रीज़न है वो है अमित एक्सपेरिमेंट। देखो, अमित बड़ाना ने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने चैनल पे, जो आज के समय में तो नहीं चलेगा लेकिन आने वाली फ्यूचर जनरेशन उस पर ज़्यादा ध्यान देगी, और आज के जो समय में चल रहा है वो आगे नहीं चलेगा, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं फ्यूचर में काम करूं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में तो ये भी कहा कि मुझे 2 दिन का फेम नहीं चाहिए। कल वाला कंटेंट नहीं चाहिए, 2 दिन वाला फेम नहीं चाहिए, 2 दिन वाला फेम नहीं भाई, वो नहीं चाहिए कि 2 दिन की चांदनी आई और फिर लौट गए। बल्कि अब तो वो ऐसे कंटेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे लोग उनके साथ आगे भी जुड़े रहें। ऐसे थिंकिंग पे तो हम अमित बड़ाना को जीनियस कह सकते हैं, क्योंकि अभी के जो यूट्यूबर्स हैं वो आज का सोच रहे हैं, लेकिन जो अमित बड़ाना है वो 2030 तक का कंटेंट खोज रहे हैं। और तुम कमेंट में ये ज़रूर बताना कि उनका ये एक्सपेरिमेंट अपने चैनल के साथ सही था या गलत। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।